गुरुकुल एडुटेक के दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अभी अभी मुझे प्रशांत का कॉल आया था, वही प्रशांत जिन्हें आप थोड़े रेस्क्यू में वीडियो में देख चुके हैं। तो मैं दूसरा प्रशांत, अभी कॉल आया था, मतलब प्रशांत ने बोला कि लोगों ने एक सांप ला कर दिया है, तो जानेंगे उन्हीं से। नमस्ते सर जी। हाँ, क्या हुआ था प्रशांत? कुछ नहीं, कल तो नाक खुच भी था। सुबह सुबह एक लिए हमारे फ्रेंड आ गए हमारे नजदीकी, इनका उधर ही सामने गैरेज है। हाँ। वो एक कैरी बैग में कुछ तो लेके आए। हाँ। कुछ तो फरार वगैरह, कुछ तो नाग पंजी का बनाते ना, क्यों बोलते। हाँ। उनके घर में ऐसा नाग वैसा बनाते। हाँ। जो नाग मट्टी का बनाते ना, वो टाइप का उनके इसमें बनाते। मैं सोचा नाग का कुछ तो लेके आए, लेकर आए होंगे, लेके आए और मेरे को दे रहे ऐसा, सभी को देते जैसा दे रहे ऐसा सोचा। बाद में मैं देखा तो उसमें सांप जैसा कुछ तो लगा, वो डबल कैरी बैग में था। हाँ। उसको फुल्ली पैक। हाँ। तो मैं उसको निकाल के बॉटल में डाल के दिया। हाँ। बॉटल में इसको डाल के रख दिया। हाँ। ये बोलते बहुत ही दुर्मी सांप बोलते हैं। हाँ, दो मुहा सांप। दो मुहा सांप। और ये सांप का बहुत ही गलत फहमी है कि इसको दो साइड से मुंह रहता है। इसका इसके बारे में आनंद जी ने एक डिटेल वीडियो भी डाला। हाँ, डाला है वीडियो। हाँ। तो इन्होंने दिया कि इसको मारना नहीं है, तो उनको बोला मैं कैसा, आपने क्यों नहीं मारा सांप को? हाँ। तो क्या बोला, नाग पंचमी वैसा तो नहीं मारते, इसलिए हम आपको आपके पास लेके आप उसको रिलीज कर दो, आप तो उसके साथ ही आपको उसका नॉलेज ऐसा बोल दे। ठीक है, बोला मैं बाद में जब हो गई कल की बात, आज क्यों कॉल किया, रिलीज करने के लिए, ये हो गया। फिर उसके बाद में और एक शॉकिंग न्यूज क्या हो गया, जो बहुत ही जहरीला सांप भारत में सबसे जहरीला एक नंबर पे जो है ना, वो मनियार। हाँ, मनियार। हाँ। वो इकला ला लेके आए मेरे पास, वैसे ही वो भी आए। हाँ। शानदार के बोले। हाँ। मेरा तो मोबाइल का शॉप है। मैं बोला क्या होगा? हाँ। वो बोले कि बॉटल दिखा रहे हैं, मैं बॉटल में तो मोबाइल नहीं रहता, हमारा तो मोबाइल का रिपेयरिंग का है। हाँ। बाद में वो क्या बोले कि सांप है, थोड़ा ले लो। हाँ। मतलब तुम्हें तुम्हारे पास ही सभी डिलीवरी करके जा रहे हैं सांपों का? हाँ, वो तो क्या रहता है, अभी हम इसमें रहते ना, स्नेक रेस्क्यू वीडियो, स्नेक रेस्क्यू की वीडियो देखे होंगे लोगों ने, तो आपके पास पहुंचा कर जा रहे हैं। ये तो मन्यार है भाई, मन्यार है, बहुत ही ये है। बाद में मैंने उनको पूछा तो वे मन्यार है, वो क्या बोले, हमको मालूम है इसलिए हम उसको हाथ से नहीं पकड़े, बोतल में डाल के लेके आए। कैसे पकड़ा, कैसे उन्होंने इसे? रोड से जा रहा था। हाँ। वो उसके पास रोड के आगे पीछे तो बोतल पड़े ही रहे थे। हाँ। इंडिया है, सभी चलता है, किधर भी कैसे फेंकते है, तो बोतल उन्होंने ले लिए, बोतल किधर भी मिलता है इंडिया में, ऐसा रोड के बाजू पे वो बोतल लेके उसमें डाल के लेके उसमें छेद नहीं था। लेकिन ये ऐसा करना काफी खतरनाक भी हो सकता है, जब तक हम मतलब हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको सांपों की पूरी जानकारी ना। हाँ। हो तो ऐसे डेयरिंग बिल्कुल ना। और एक बात है, आज भगत का बर्थडे है। हाँ, हाँ, वही भी विश कर फोन किए थे आपका। हाँ, ये विश भी करेंगे और उन्हें ये गिफ्ट भी देकर आएंगे। चलिए धन्यवाद। तो बारिश पिछले 8 दिनों से थमने का नाम नहीं ले रही है, तो यहाँ पर प्रशांत जी तीनों का इंतजाम हो गया। तो अच्छा, चलिए चलते हुए जाएंगे ना, इसका अगर टेंशन ही नहीं है। हाँ। अच्छा हुआ। तो आनंद जी के घर के सामने का ये नाला आप देख सकते हो, नाला ही बोलते हैं ना, नाला बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त बारिश यहाँ पर हो रही है। तो आनंद जी के घर की ओर का ये नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हो। बाप रे, कितनी बारिश हो चुकी है प्रशांति, देखो ना। अरे क्या क्या, कुछ भी पानी नहीं था इसमें, और इसके बाद में भी नहीं हो जाएगा, मतलब अभी इतना मतलब बारिश आ सकती है, सबसे सबसे बड़ी बारिश। ये भी भर चुका है, लेवल 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 को आ चुका जमीन के लेवल तक। तो गाड़ी स्टार्ट है, मतलब कॉल आया होगा या कॉल खत्म करके आए होंगे, पता नहीं, देखेंगे। अरे बाप रे, जा रहे हो, कॉल है, कहाँ पर? वाले क्या? ना, अभी अभी तो हम सांप पहुंचाने आए थे, भगत के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। ये है दोमुआ सांप, ये मन्यार है। लोग पकड़ के गोडाउन बना दिया प्रशांत का शॉप, अभी मेरे शॉप पे लाके देंगे। ये मंडोर है, मंडोर बोला मैं, दोमुआ, ठीक है। तो ये मन्यार है ना, मन्यारी है। तो लोग पकड़ कर दे रहे हैं। हमारे एल्लूर के लड़के आए थे मैम, उनको मालूम है कि आपके साथ हम जाते हैं रेस्क्यू के लिए, छोड़ने के लिए, थोड़ा ज्ञान दे करके आप छोड़ दो उसके लिए करके दे दीजिए। लेकिन ये मन्नर वगैरह ऐसे पकड़ना बहुत डेंजर है ना, डेंजर है, खतरा है, उनको उनको ना
उनके पास जब वो सांप देने के लिए आते हैं तो उनसे सांप लेती हूँ, तो उनको कुछ तो बताना है तुझे। नहीं बता दिया ना, बता हाँ, दिया नहीं, वो तो आपके फॉलोअर्स है। दिया क्या हुआ तो क्या बोलेंगे? नहीं, नहीं, उनके फॉलोअर्स हाँ। कुछ उनको घर के लोगों को पता नहीं कि क्या, हमने उनको नहीं पकड़ने को कहा है, लेकिन मन्ना जैसे खतरनाक सांप हम भी पकड़ने के लिए डरते है उसको, तो ऐसे खतरनाक सांप वो पकड़ कर इसे बॉटल में डाल रहे है। मैं तो थैली में डालने के लिए भी डरती हूँ, तो बॉटल में डाल रहे हैं। बॉटल में जाना इतना आसान नहीं है, नहीं है भाई। एक क्या बड़ा ये जो बॉटल क्या बोलते हो, भरनी को क्या बोलते पता नहीं मराठी में, तो प्लास्टिक का डिब्बा हाँ, बड़ा वाला मुंह रहता है उसका, वो इसका तो छोटा सा इतना सा मुंह तो इसमें नहीं जाता है, इजीली नहीं जाता है। तो मन्नर एक तो ये हमारी थैली में भी जाने के लिए ये करता है कि हेजिटेशन रहता है उसको, थैली में भी नहीं जाता है, तो इसमें वो डालना बहुत खतरा है। और जितना छोटा सांप रहेगा उतना डेंजर रहेगा, ये तो बड़ा है मन्नर में, ये सब तो बहुत खतरनाक है। तो आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? उसको किसी को भी दिखाई दिया तो उसको स्टिक से हटाना है, हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो उन लोगों ने जिन बच्चों ने पकड़ा है तो स्टिक से इसमें डाला है तो ठीक है, लेकिन हाथ में पकड़ कर उसमें डाला तो बहुत डेंजर है। एक बार खतरा टल गया तो ऐसा नहीं हर बार नहीं होता है कि एक्सीडेंट नहीं होगा। तो दर्शक जान ले कि ये जानलेवा हो सकता है, वो दो मुंह हो सांप तक तो ठीक है, लेकिन ऐसे सांप के साथ आप खेल ना करें। नहीं, उनके एक बात अच्छी क्यों लगी, वो रोड के बीच में आ रहा था, गाड़ी उसके पर जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि गाड़ी बीच में रुका के उसको पैक करके लेके आए, तो ये भी उनको बोल दिया बाहर क्यों नहीं छोड़े, तो क्या बोले वहाँ पे उसको मारने वाले थे उसको हम लेके आए। कैसा है कि उसको बचाना ही है तो उसको बड़ा स्टिक लेकर हटा सकते ना, गाड़ी को रुका सकते है, तो यहाँ से जाने के लिए ये कोशिश कर सकते हैं। वो क्या होता है अभी कुछ तो तूफानी करते हैं ऐसा उनके मुंह में आ रहा है ना, तो ऐसा तूफानी में कुछ तो अलग हो जाता है। तो भगत का बर्थडे भी है, शायद निर्जरा जी कह रहे हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तो भगत जी यहाँ पर मौजूद है, उनका आज बर्थडे है। आपको बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि वाढदिवस शुभाशय तिन्ही भाषांमध्ये त्यांना दिले त्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। हमारे वीडियो आपको पसंद आते तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाए। धन्यवाद।